चाणक्य IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पे जो हाल ही में जारी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। IMF ने अन्य वैश्विक एजेंसियों के अनुमानों की तरह भारत की विकास दर को कम करके आंका है। हाल के वैश्विक घटनाक्रमों को देखते हुए इस तरह के अनुमान जारी किए जा रहे हैं। हाल के लगभग सभी वैश्विक वित्तीय एजेंसियों ने भारत सहित विश्व के अन्य देशों के लिए इस तरह के अनुमान जारी किए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी अपेक्षा से अधिक मंदी का सामना कर रही है, जिसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। वैश्विक विकास की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में 6% थी, जो घटकर 2022 में 3.2% के अनुमान पर है। साथ ही वर्ष 2023 में 2.7% रहने का अनुमान है। मुद्रा स्फीति की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रा स्फीति कई दशकों की तुलना में अधिक हुई है। इसके लिए हाल की वैश्विक उथल पुथल को जिम्मेदार ठहराया गया है। वैश्विक मुद्रा स्फीति की अगर बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मुद्रा स्फीति 2021 में 4.7% से बढ़कर 2022 में 8.8% रहने का अनुमान है, लेकिन साथ ही 2023 में 6.5% और 2024 तक 4.1% तक घटने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय नीति की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे उभरने के लिए राजकोषीय नीति को लेकर कड़े फैसले लेने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी यह वर्ष की दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर का अनुमान 3.2% है, जो 2021 में 8.1% की वृद्धि दर से कम है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% कर दी गई है। जुलाई में दिए गए पूर्वानुमान से यह 0.6% की गिरावट आई है। IMF ने अप्रैल 2022 में शुरू हुए वित्तीय वर्ष में भारत की GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। यह पूर्वानुमान इस साल जनवरी में अनुमानित 8.2% से कम है। भारत की विकास दर 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 8.7% थी। ये सारा पूर्वानुमान और भविष्य के अनुमान भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लगाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारणों की अगर बात की जाए तो भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था में दर्ज की जा रही गिरावट का मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है। साथ ही अभी विश्व COVID-19 महामारी से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया है, जिसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में अगले वर्ष के लिए अमेरिका के विकास दर के अनुमान को भी घटाया गया है। चीन में निरंतर लॉकडाउन और हाल की कमजोर आर्थिक क्षमता को देखते हुए अगले साल के विकास के अनुमान को घटाकर 4.4% कर दिया गया है। इन पूर्वानुमानों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव देखा जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। इसे वर्ष में अप्रैल और अक्टूबर महीने में जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में मध्यम अवधि के लिए आर्थिक विकास विश्लेषण और आर्थिक विकास पूर्वानुमान जारी किया जाता है। IMF इसके अतिरिक्त वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय Washington DC में है, जिसमें 190 देश शामिल है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.